नमस्कार, क्विक आयुर्वेद में आपका स्वागत है। जुकाम को नजला भी कहते हैं। ये श्वसन तंत्र का संक्रमण के कारण होने वाला रोग है, जिसमें व्यक्ति की नाक प्रभावित होती है। सामान्य जुकाम वायरस के संक्रमण के कारण होता है। जुकाम होने का सबसे आम कारण राइनो वायरस का संक्रमण है। जुकाम में व्यक्ति को नाक से पानी बहने, छींक आने, गले की खराश, नाक बंद होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जान लेते हैं जुकाम के लक्षण क्या हैं। जुकाम में लोगों को ऐसी परेशानियां होती हैं, जैसे नाक से पानी बहना, नाक में खुजली होना, गले में खराश होना, नाक बंद होना, सिर में दर्द और भारीपन होना, आंखों में जलन होना, खांसी, बुखार या छींक आना। चलिए एक नजर डालते हैं जुकाम के सबसे बड़े कारणों पर। जुकाम वायरस के संक्रमण के कारण ही होता है। 200 से अधिक वायरस जुकाम होने के कारण बन गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये दो वायरस हैं जो जुकाम के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। कोरोना वायरस 15-30% मामलों में कोरोना वायरस ही आपके जुकाम का कारण होता है। दूसरा राइनो वायरस, जिसमें 30-80% लोगों के जुकाम का कारण यही वायरस होता है। अब आपको बताते हैं कि आप अपने जुकाम को घर पर ही घरेलू नुस्खों के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी और दूध से जुकाम के इलाज के बारे में। एक गिलास गर्म दूध में 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर पिएं, जिससे बंद नाक और गले की खराश में आराम मिलता है। नाक से पानी बहता है तो वो भी बंद हो जाता है। तुलसी के सेवन से आप कैसे जुकाम का इलाज कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। जुकाम में तुलसी अमृत के समान काम करती है। खांसी और जुकाम होने पर 5-7 पत्तियों को पीस लीजिए और पानी में डालकर उसका काढ़ा बनाकर तैयार कर लीजिए और इस काढ़े को आप पी जाइए। ऐसा करने से आपको सर्दी और जुकाम में बहुत फायदा होगा। नाक बंद होने पर एक और तरीका आप अपना सकते हैं। नाक बंद होने पर तुलसी की मंजरियों को रुमाल में सूंघने से नाक खुल जाती है और सर के भारीपन में भी आराम मिलता है। छोटे बच्चों को जुकाम होने पर 6-7 बूंद अदरक एवं तुलसी का रस शहद में मिलाकर चटाएं। ये बंद नाक को खोलने और बहती नाक को रोकने में सहायक होती है। अब बताते हैं हल्दी और अजवाइन का नुस्खा। 10 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम अजवाइन को 1 कप पानी में डालकर पकाइए। जब पानी आधा रह जाए तब उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पी लीजिए। इससे जुकाम में तुरंत आराम मिलता है और नाक से पानी बहना भी कम हो जाता है। जुकाम अगर आपको है और आप जुकाम से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आपको कुछ चीजों का परहेज करना जरूरी है। ठंडी और बादी वाली चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दही और चावल का सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, बहुत ठंडा पानी और बर्फ से बनी चीजों का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बासी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जंक फूड और तेलीय भोजन का सेवन भी जुकाम को बढ़ा देता है। मौसमी फल और सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। तो ये था आपके जुकाम का घरेलू नुस्खा और उसके होने के कारण के साथ साथ जुकाम में आपको क्या नहीं खाना है उसकी जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और क्विक आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।